हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए जो आज अपनी 12वीं एग्रीकल्चर की जो बायो है ना वो शुरू कर रहे हैं और ये बायो आपने पहले करेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। और ये चैप्टर नंबर 2 का अपने पार्ट फर्स्ट करेंगे क्योंकि आज अपने शुरू ही कर रहे हैं। यहां पर स्क्रीन पर मैंने आपको अपने मोबाइल नंबर दे दिए हैं, आपको कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या आ रही हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। देखिए जो आपकी 12वीं की जो बायो है उसमें शायद 15 ही लेसन है, ठीक है, 15 या 16 लेसन है, 15 या 16 के लगभग लेसन है, ठीक। और अब की बार जैसे 11वीं की तो किताबों को चेंज हो जाएगी, एनसीईआरटी लगने की संभावना ही है, शायद 12वीं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अगले साल 12वीं में भी एनसीईआरटी लगने लगेगी। तो आपकी जो बायोलॉजी है एग्रीकल्चर बायोलॉजी उसमें 15-16 चैप्टर है और अपने चैप्टर करेंगे 2 नंबर, ठीक। और जो अपने करेंगे वो बायोटेक्नोलॉजी। अब देखिए ये जो बायोटेक्नोलॉजी जो चैप्टर है ये आपके लिए समस्या पैदा करता है ज्यादातर स्टूडेंट के लिए जो एनजी के हैं। इसका रीजन ये है कि अगर अपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपने को किसका ज्ञान होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायो का, ठीक है। अगर अपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो अपने को ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए मॉलिक्यूलर बायो का। और दुर्भाग्य की बात यह है कि मॉलिक्यूलर बायो आपके सिलेबस में नहीं लगती है या नहीं है, नहीं तो 11वीं में है नहीं 12वीं में, ठीक। अब मुझे नहीं पता कि जो बोर्ड है उसने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी कि उन्होंने आपके बायोटेक्नोलॉजी दे दी लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एग्रीकल्चर बायो में नहीं दी, ठीक। तो ये वैसी बात है कि मैं आपको कहूं कि आप अखबार पढ़ो बिना आपको कहने के अखबार पेड़ी सिखाए हुए, ये कहते कि अखबार पढ़ो तो आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपको पहले कहने के अखबार पेड़ी जो बार पेड़ी है वो पढ़नी ही पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, तब जाकर आप अखबार पढ़ना सीखोगे, ठीक। तो सीधा अखबार नहीं पढ़ सकते, इसी प्रकार सीधे अपने बायोटेक्नोलॉजी भी नहीं पढ़ सकते, ठीक। अपने को किसका ज्ञान होना चाहिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए पहले, अगर अपने को क्या पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी पढ़नी, ठीक। तो ये तो बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने सिलेबस किस तरह बनाया है, अपने आप को मतलब वो बड़े अधिकारी तो कहते हैं लेकिन उस लेवल में उन्होंने काम नहीं किया है। तो अपने पहले बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की और फिर बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी की, ठीक। यानी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना वो चैप्टर 2 से ही संबंधित है वैसे, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित आपके प्रश्न नहीं आएगा, आएगा आपको बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, लेकिन बायोटेक्नोलॉजी तभी समझ में आएगी जब आपको बताओ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। तो अपने पहले मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो बेसिस है उसके बारे में देखेंगे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है, किस तरीके से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी काम करती है, ठीक, किस प्रकार डीएनए आरएनए इनका निर्माण होता है या किस प्रकार डीएनए हमारे लक्षणों को नियंत्रित करता है वो सब देखेंगे और फिर अपने बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। तो अपने बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, देखिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को हिंदी में कहते हैं आणविक जीव विज्ञान, ठीक, आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। देखिए आणविक का मतलब या मॉलिक्यूलर का मतलब तो आपको पता ही है, ये जो वर्ड आया वो किससे आया है, अणु से, मॉलिक्यूल से, ठीक है। देखिए हमारी जो कोशिका है उसमें कई तरह के अणु मिलते हैं, कई तरह के अणु
मिलते हैं। ठीक। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन अणुओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन अणुओं की बात करेंगे, ठीक, जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, या ठीक जिनका संबंध किनसे है, यानी ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका संबंध किससे है, जेनेटिक्स से, अनुवांशिकी से है, या अनुवांशिकता से है। तो मॉलिक्यूलर बायो हिंदी में क्या हो गया, आणविक जीव विज्ञान। ठीक। और मॉलिक्यूलर या जो आणविक वर्ड, जो ये वर्ड है, ये किससे है, अणु यानी मॉलिक्यूल से। अब देखिए हमारी कोशिका में कई तरह के अणु मिलते हैं, ग्लूकोज के अणु भी मिलते हैं, प्रोटीन के अणु भी मिलते हैं, लिपिड के अणु भी मिलते हैं, डीएनए भी मिलता है, आरएनए भी मिलता है। ठीक। अब जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो अपने बात करें आणविक जीव विज्ञान, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अपने क्या पढ़ते हैं, हम उन अणुओं का अध्ययन करते हैं जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक। या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, ठीक, हम उन अणुओं की बात करेंगे जो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी या अनुवांशिकता से संबंधित है। ठीक। अब देखिए ग्लूकोज, लिपिड, इनके अणु भी हमारी कोशिका में मिलते हैं, लेकिन हम उनको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं पढ़ते, इनको पढ़ते हैं बायोकेमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहां पर क्या लिखा है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन्हीं अणुओं की बात करेंगे जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। ठीक। और लक्षणों को नियंत्रित कौन करते हैं, भी डीएनए, आरएनए, जो मैं लगा तो डीएनए। ठीक। हमारे लक्षणों को जो नियंत्रित करता है वो डीएनए है, और डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक। और आरएनए आगे जाकर प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, और प्रोटीन हमारे अंदर फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस है, ठीक, वो लाती है, यानी कार्य की जो परिवर्तन होते हैं हमारे शरीर में वो प्रोटीन के द्वारा ही होते हैं। तो जो डीएनए और जो आरएनए है ना, इन दोनों को अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक। अब डीएनए से किस प्रकार आगे बनता है, आरएनए से किस प्रकार प्रोटीन बनती है, ठीक, डीएनए से किस प्रकार डीएनए बनता है, वो सारी चीजें, जैसे मतलब आपने रेप्लिकेशन, ट्रांसलेशन है, ठीक, वो नाम दसवीं में सुना होगा शायद, ठीक, ये प्रतिकृति, अनुलेखन, अनुवादन, ये तो वो सब चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आती है, यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ये सारी चीजें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की पार्ट है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को मैंने यहां पर सिंपल तरीके से डिफाइन कर दिया है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम उन अणुओं की बात करेंगे जो अनुवांशिकी से संबंधित है, जो अनुवांशिकता से संबंधित है, जो हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, या जिनमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है, ऐसे अणु जिनमें प्रोटीन निर्माण की सूचना होती है। ठीक। मैंने डीएनए और उसके बाद में आरएनए, क्योंकि डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। तो प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में डीएनए तो है ही, क्योंकि जो प्रोटीन निर्माण की जो सूचना है ना, वो मूल रूप से किसमें, मूलभूत रूप से किसमें, डीएनए में। डीएनए से ये सूचना किसमें ट्रांसफर होगी, आरएनए में, और आरएनए से फिर आगे जाकर क्या बनेगी, प्रोटीन। तो ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में है। और ये भी बता दिया मैंने आपको, ग्लूकोज और लिपिड अपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में नहीं पढ़ते, इनको पढ़ते बायोकेमिस्ट्री में। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज और लिपिड हमारे लक्षणों को नियंत्रित करने से संबंधित नहीं है, यानी ये जेनेटिक से संबंधित नहीं है। हम जिन अणुओं का
अध्ययन करते हैं, वे है। हम जिन अणुओं का अध्ययन करते हैं वे है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यानी आणविक जीव विज्ञान में हम जिन अणुओं की बात करेंगे या जिन अणुओं का अध्ययन करेंगे वे है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि अपने डीएनए और आरएनए की बात करेंगे। इसके अलावा देखिए डीएनए से क्या बनता है, डीएनए भी बनता है। ये प्रक्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन हिंदी में कहते हैं प्रतिकृति। डीएनए से क्या बनता है, आरएनए। ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। और बाद में आरएनए से क्या बनता है भी, प्रोटीन। ये प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। इनका अध्ययन भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में करते हैं, यानी डीएनए आरएनए के बारे में, डीएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार है, आरएनए की स्ट्रक्चर किस प्रकार है, ये सब। इसके अलावा डीएनए से डीएनए किस प्रकार बनता है, डीएनए से आरएनए किस प्रकार बनता है और आरएनए से प्रोटीन किस प्रकार बनती है, ये सब अपने किसमें पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप आगे बढ़ोगे, आगे की क्लासेस में जाओगे तो आपको पता चलता जाएगा। तो डीएनए से डीएनए बनना रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृति, डीएनए से आरएनए बनना यानी ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन, और आरएनए से प्रोटीन बनना यानी ट्रांसलेशन। ठीक, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन अनुवादन। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो अपने पढ़ेंगे या जिनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे वो ये चीजें हैं। अब देखिए जो डीएनए या जो आरएनए है ना, उसको अपने कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। एक बार ध्यान रखना कि अगर अपने बात करें यूकैरियोटिक की, यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोटिक दोनों, इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है जी, जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। चाहे यूकैरियोटिक हो चाहे प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक में तो अपने ही आगे, ठीक, और प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया वगैरह, तो इनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, डीएनए। और जो वायरस है, सारे वायरस नहीं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होता है, आरएनए होता है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए ऐसे जेनेटिक मटेरियल मिलता है, ठीक। अब ऐसा नहीं है कि अपनों में जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी है और आरएनए भी, ऐसा नहीं है। ये मैंने यहां पर आपको शो कर दिया है कि जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक है ना, उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, डीएनए, और कुछ वायरस उनमें जेनेटिक मटेरियल कौन होगा, आरएनए। अब आपके माइंड में यह क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे अंदर आरएनए मिलता है नहीं मिलता। देखिए जितने भी जीव है जिनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, उनमें आरएनए भी मिलता है। जितने भी जीव है जिनमें अनुवांशिक पदार्थ क्या है, डीएनए है, उनमें आरएनए भी मिलता है। लेकिन जो वायरस होते हैं ना, वायरस में केवल एक ही तरह का मॉलिक्यूल मिलता है, या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए। जैसे यहां पर मैंने कहा ना कि कुछ वायरस ऐसे जिनमें आरएनए मिलता है, उनमें सिर्फ आरएनए मिलता है, डीएनए नहीं मिलता। और जिन विषाणुओं में डीएनए मिलता है उनमें केवल डीएनए मिलता है, आरएनए नहीं मिलता। हमारे अंदर क्या है, जैसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, इनमें क्या है, इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए है और आरएनए भी मिलता है। यानी हमारी बात करें तो हमारी कोशिका में डीएनए भी है और आरएनए भी है। इसी प्रकार बैक्टीरियल सेल की बात करें जो कि प्रोकैरियोटिक है, उसमें जेनेटिक मटेरियल तो आरएनए ही है, लेकिन सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही है, लेकिन आरएनए भी मिलता है। अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे अंदर दोनों भी मिलते हैं,
डीएनए और आरएनए। देखिए हमारे अंदर जो मूलभूत जेनेटिक मटेरियल है ना, जिसमें अनुवांशिक सूचना है या प्रोटीन निर्माण की सूचना है, वो किसमें है? डीएनए में। ठीक, अब क्या है, हमारे अंदर डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन निर्माण में भाग नहीं लेता। ठीक, अनुवांशिक सूचनाओं का मतलब हो गया कि डीएनए से प्रोटीन का बनना। ठीक, यानी हमारे अंदर कौन कौन सी प्रोटीन बनेगी, कब बनेगी, ये जो सूचना है ना, इनको अपने अनुवांशिक सूचना कहते हैं। और अनुवांशिक सूचना किसमें होती है? डीएनए में। ठीक, और डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनाता, डीएनए पहले क्या बनाता है? आरएनए। क्या बनाएगा? आरएनए। और आरएनए से आगे जाकर क्या बनेगी? प्रोटीन। यानी हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए है। ठीक, अनुवांशिक पदार्थ कौन है? डीएनए। प्रोटीन निर्माण की सूचना किसमें है? डीएनए में है। और डीएनए से किस तरह निर्माण होता है? आरएनए का। और आरएनए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है। ठीक, जो डीएनए है, डीएनए है, डीएनए में जो सूचना है, ठीक, वो किसमें स्थानांतरित हो जाएगी? भी आरएनए में। ठीक, अब आरएनए के तीन प्रकार के हैं, इनको अपने आगे देखेंगे, एमआरएनए हो गया, टीआरएनए हो गया, आरआरएनए हो गया। ठीक, तो डीएनए से जो अनुवांशिक सूचना है या प्रोटीन निर्माण की जो सूचना है ना, वो किसमें ट्रांसफर होती है? आरएनए में। और जिस आरएनए में ट्रांसफर होती है उसको अपने क्या कहते हैं? एमआरएनए। ठीक, यानी प्रोटीन निर्माण संबंधी सूचनाएं डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफर होती है या डीएनए से आरएनए में ट्रांसफर होती है, और किस प्रकार के आरएनए में? एमआरएनए में। तो ये कुछ मैंने आपको बातें बताई है, ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से संबंधित है कि अपने यहां पर डीएनए की बात करेंगे और आरएनए की भी बात करेंगे। हमारे अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, ठीक, और हमारे अंदर आरएनए भी मिलता है, आरएनए प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेता है, ठीक, वगैरह वगैरह। अब आगे देखिए, न्यूक्लिक एसिड ये क्या है? देखिए न्यूक्लिक अम्ल का मतलब क्या है? दो वर्ड है यहां पर, न्यूक्लिक जो वर्ड बना है ना, वो किसे बना है? न्यूक्लियस से। और दूसरा वर्ड क्या है? एसिड। दूसरा वर्ड क्या है? एसिड। यानी केंद्रक में मिलने वाला या वाले अम्ल, केंद्रक में मिलने वाला या वाले अम्ल। और ये दो है जी, डीएनए और आरएनए। पहले तो पता चला था डीएनए का, और बाद में पता चला कि एक और कंपाउंड है जो अम्लीय प्रकृति का है और जो केंद्रक में मिलता है या केंद्रक में बनता है, वो कौन है? आरएनए। तो डीएनए और आरएनए। और आपको बताया कि डीएनए और आरएनए ये जो है, ये लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इनको अपने क्या कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं डीएनए और आरएनए, इसलिए इनको अपने कहते हैं अनुवांशिक पदार्थ। बाकी करते हैं कि अपने अगली क्लास में। पहली वीडियो